माँ कालका को नमन करता हूँ, अपने बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। धनु लग्न धनु राशि, मकर लग्न मकर राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि, मीन लग्न मीन राशि, इनकी चर्चा होगी। और दिवाली से, इस दिवाली से जो कि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी, एक इस दिवाली से अगले दिवाली तक का राशिफल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे और हर राशि लग्न का एक उपाय भी बताएंगे। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों तक पहुंचाना है। अगर इसमें कमी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा में भी कमी आती है, तो यही एक ऐसा मोटिवेशन है जो आप हमें दे सकते हैं। चलिए, ये साल 2025 अपने आप में अनूठा साल, इंपॉर्टेंट ईयर, क्योंकि 2025 दिवाली के बाद से 2 महीने बचेंगे शुरुआत होने में, मंगल का साल है और मंगल उस समय नीच के होंगे जब ये साल आ रहा होगा। और धनु से लेके मीन तक वालों के लिए खुशखबरी की बात है। कैसे? देखिए, धनु हो या कुंभ हो या मीन हो, चारों राशि बढ़ गई है बृहस्पति शनि में। बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है इस साल मिथुन में, कहीं ना कहीं बेहतर गोचर। शनि का गोचर होने जा रहा है मीन में, कहीं ना कहीं जबरदस्ती का लाभ और राहत मिलने जा रही है, देवगुरी बृहस्पति के पास आ जाएंगे। और 2 और गोचर राहु केतु का भी होने जा रहा है इसी साल अप्रैल मई में। तो आप समझ सकते हैं, 4 बड़े ग्रह होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, 9 ग्रहों में से 4 बड़े ग्रह माने जाते हैं जो समय लेते हैं अपनी साइकिल को पूरा करने में। शनि 2.5 साल, बृहस्पति 1 साल, राहु केतु 1.5 साल, ये सारे परिवर्तित हो रहे हैं, तो अभूतपूर्व साल है। निश्चित तौर पर इसका लाभ लेंगे धनु से लेकर मीन तक। कैसे? सबसे पहले बात धनु लग्न धनु राशि वालों की। धनु लग्न धनु राशि वालों, विवाह की समस्याएं खत्म होने जा रही हैं, विवाह संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, नौकरी व्यापार में तरक्की दिख रही है। उसी के साथ साथ जहां प्रपोजल नहीं आ रहे थे, जहां प्रॉब्लम फंस रही थी, विवादों खत्म होगी, ऐसे अच्छी जगहों से प्रपोजल आएंगे विवाह के, मन चाह वर या वधु प्राप्त होगी। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होंगे, प्रेमी प्रेम का अपने घर में शादी की बात करें उन्हें भी लाभ होगा। नौकरी व्यवसाय की बात करें तो नौकरी व्यवसाय में निश्चित तौर पर यह गोचर आपको जबरदस्त लाभ देने जा रहा है। यह गोचर आपको यह दर्शा रहा है भाग्य का साथ मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों में खूब यात्राएं करेंगे, नौकरी से संबंधित व्यापार से संबंधित उसमें भी तरक्की के योग रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर और इसको गहराई से समझा जाए तो निश्चित तौर पर जो राहु केतु शनि बृहस्पति सबका गोचर है वो आपके प्रोफेशन को बढ़ा रहा है, घर गाड़ी बंगला बढ़ रहा है, पद प्रतिष्ठा बढ़ रही, कोई सरकारी पद प्राप्त हो सकता है, कोई प्रशासनिक सेवा क्या एग्जाम दे रहे थे उसमें लाभ मिल सकता है, धन अचानक बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। खासतौर से जो लोग भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए साल बहुत बेहतर रहने वाला है। ये साल एक ऐसा साल रहेगा जहां पे इस तरह की सारी चीजें आप आसानी से खरीद लेंगे। पैतृक संपत्ति के विवाद का निपटारा भी इस साल हो सकता है, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर नहीं चल रहे थे वो भी बेहतर होंगे। अब बात आपके स्वास्थ्य की, शुक्र आपके मेन ग्रह होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा दिखता है, स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, बस गॉल ब्लेडर और लिवर का थोड़ा सा ख्याल रखना है, कोई बड़ी गंभीर समस्या पूरे साल नहीं दिखती है, जीवन बेहतर दिखता है। क्या उपाय करें? नारायण कवच का पाठ बृहस्पतिवार के दिन कर लेना बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों की। तो मकर लग्न और मकर राशि वालों, जीवन में बेहतरी आने जा रही है, शनि पूरे दम से देंगे, शनि पूरी ताकत से आपको देने के लिए आए हैं, शनि कहीं ना कहीं तरक्की नाम शोहरत पैसा रुपया देने वाले हैं, नौकरी में जो काले बादल छाए थे वो खत्म होने वाले हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, प्रमोशन मिल सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये गोचर बस आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, अचानक धन प्राप्ति के योग है, लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखना है, वाणी की वजह से अपना दुश्मन बना सकते हैं लोगों को, उस पर ध्यान देना है। और खास तौर से ससुराल पक्ष से नहीं उलझना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है, कोर्ट कचहरी पुलिस के मामलों में नहीं फंसना है, इनसे दूर रहना है, पड़ोसियों से विवाद भाई बहनों से विवाद हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें नौकरी व्यापार में तरक्की, अधिकारियों का सम्मान, कोई बड़ा प्रशासनिक उच्च पद मिल सकता है, उसकी वजह से स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, तो वो परिवर्तन कर लेना चाहिए क्योंकि वो लाभकारी रहेगा। ओवरऑल धन की स्थिति बहुत बेहतर दिखती है, कहीं कोई समस्या नहीं दिखती है। क्या उपाय करें? शनि चालीसा का पाठ करिएगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की बात करें तो शनि देव इस राशि से अगली राशि मीन में जाएंगे, राहु केतु का यहां वास होगा इस बार। उसी के साथ साथ आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं बुध, और वहां पर बृहस्पति देव बैठे होंगे, तो निश्चित तौर पर पंचम के बृहस्पति
अचानक धन दिलाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे, विदेशों से लाभ दिलाएंगे, शेयर मार्केट से लाभ दिलाएंगे, प्रेम प्रसंग सफलता दिलाएंगे, उच्च शिक्षा दिलाएंगे, साइंटिस्ट वगैरह जो बनना चाहते उन्हें लाभ होगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, बस अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, ओवर कॉन्फिडेंस पे कंट्रोल रखना, वाणी पर कंट्रोल रखना, क्योंकि द्वितीय भाव से कर्कश वाणी परेशान करेगी, उस वजह से उठापटक खो हो सकती है। इन सब चीजों का ध्यान रखना कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों, नौकरी व्यापार हर जगह सफलता मिलेगी, उसी के साथ साथ जीवन बेहतर होगा, पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, उसी के साथ साथ घर गाड़ी बंगले के खुद सुख रहेंगे, माता को छोटा मोटा कष्ट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, विदेश यात्राएं के योग है, लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में होने की वजह से राहु केतु का एक्सेस, तो ये विवाह में उथल पुथल देगा, डाइवोर्स सेपरेशन या वाद विवाद पड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तीसरे को अपने विवाह में मत आने दीजिएगा, उसके बीच में नहीं आने दीजिएगा, अनचाही सलाह नहीं लीजिएगा, जो सलाहकार ऐसे घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द उनसे दूरी बनाइएगा, नहीं तो स्थितियां खराब रहेंगी। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल संतान संबंधित लाभ मिल रहा है, जो लोग कंसीव नहीं कर पा रही थी मेरी माता बहन उनको लाभ मिलेगा, जो लोगों को प्रेम में समस्या आ रही थी उनको लाभ मिलेगा, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनको लाभ मिलेगा, भाग्य जिनका साथ नहीं दे रहा था, पैतृक संपत्ति फंसी हुई थी उनको लाभ मिलेगा, जिनको खास तौर से ग्यारहवां भाव क्योंकि धन महत्वाकांक्षा का होता है, कोई महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं रही हो रही थी उनको लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए ये राशिफल, ये दिवाली से दिवाली तक का सफर बेहतरीन जाता दिखता है। क्या करें, शिव जी को दूध में कुछ काले तिल मिलाकर हर सोमवार के दिन चढ़ाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए, हर सोमवार ना हो जाए तो महीने में एक बार जरूर चढ़ा दीजिएगा। अब बात मीन लग्न मीन राशि वालों की, आपके लग्न भाव में शनि होंगे, छठे बारहवें में राहु केतु का वास होगा, चौथे भाव में बृहस्पति, अभूतपूर्व योग है, एकादश के स्वामी शनि लग्न में, लग्न के स्वामी चतुर्थ में, घर गाड़ी बंगले के खुद सुख, अचानक धन लाभ के संकेत, कोई बड़ी अधूरी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने के संकेत, भाई बहनों से सपोर्ट, पैतृक संपत्ति से लाभ, अनअर्ड मनी मिल सकता है, उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है जिसके लिए इंतजार कर रहे थे, उसी के साथ साथ नौकरी व्यापार में तरक्की साफ दिखती है, जीवन में बेहतरी साफ दिखती है, नौकरी में दिख रहा है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे से कहीं ना कहीं एक उच्च पद तक पहुंचेंगे, एक किंग की तरह इस साल आपको जीवन जीने को मिलेगा, क्योंकि ये साल आपका खुद सपोर्ट करता हुआ दिखता है, आपका भाग्येश मंगल होते हैं और मंगल 2025 के मालिक होंगे, तो निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा रहेगी, बाकी ग्रहों की भी कृपा साफ दिखती है, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं इस दौरान, खासतौर से बच्चों को काफी लाभ होगा, बच्चे आपकी शिक्षा में अच्छा काम करेंगे, उसी के साथ साथ खूब विदेश यात्राएं हो सकती हैं, करियर में आपकी हर अधिकारी आपकी तारीफ करेगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, उसी के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी में जितना इन्वॉल्व होंगे लाभ मिलेगा, उतना ही आगे बढ़ेंगे, खासतौर से ऐसे लोगों को आयुर्वेद ज्योतिष योग इन सबकी पढ़ाई इस दौरान करनी चाहिए, खूब लाभ मिलेगा, उसी के साथ साथ गूढ़ विद्या में जितना घुसेंगे लाभ मिलेगा, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ के संकेत हैं, एक स्टेबल पार्टनर की जो तलाश थी वो भी पूरी होगी इस दिवाली के बाद, और खास तौर से एक लंबा रिश्ता आप निभाने में सफल होंगे, जीवन बेहतर दिखता है, जो बादल थे वो छट रहे हैं, संघर्ष के दिन समाप्त हो रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या करें आप, हनुमान चालीसा का पाठ रोज, नहीं तो मंगलवार, नहीं तो जब भी याद आ रहा मंगलवार को जरूर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए। अब क्या करना है भाई, शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए, आज की फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।